कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी को एमएलए की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ कांग्रेस के ही एमएलए क्यों टूटते हैं? कहीं पर भी अगर संसद में विधायक पास करने की जरूरत होती है तो सिर्फ कांग्रेस के आधा ही विधायक एमएलए क्यों, एमपी क्यों वॉकआउट करते, बाकी क्यों नहीं करते? जबकि करना सबको चाहिए, नियम तो सबको एक है, यही काहे बिकते हैं? मुझे मतलब पार्टी का अध्यक्ष अगर चला गया तो उनको भी जाना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप किस आधार पर बैठे हैं? हमने तो कहीं ना कहीं उनके मन में बीजेपी के लिए एक बड़ी, सुनिए मेरी बात, अब आपने छेड़ा तो सुन लीजिए। यूएपीए का जो विधेयक लाया गया था, जब ये कानून बनाया गया था, पूरा पुलिस बिना किसी परमिशन के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, 6 महीने तक आपको सुनवाई नहीं होगी, ये नियम का जब वहां पे वोटिंग चल रही थी, आधे एमपीस क्यों उठ के चले गए कांग्रेस के और आधे रह गए? अगर वो आधे भी उठ के चले गए होते ये नियम न बना होता, ऑब्जेक्शन आ चुका होता, क्योंकि इसमें सहमति थी कांग्रेस की, बनाया भी तो कांग्रेस ही है ना यूएपीए रासुका, किसने लाया था? तो बस उसको यूज करने का तरीका। और कभी आपने देखा है क्या रॉबर्ट वाड्रा पे कार्रवाई हो जाए? हमको तो ये दिखाया जा रहा था सोनिया गांधी के पास 2 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है, इनके पास ये है वो है, एफआईआर दर्ज हो गई। बट आज मुझे, मेरी आंखें तरस गई, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भरे सदन के अंदर ऑफिशियल रिकॉर्ड दिया था कि वाड्रा जी के खिलाफ हमारे पास सबूत मिल चुके हैं, अब कार्रवाई होगी। कब होगी? बंदा बाहर घूम रहा है, उनकी पत्नियां लखनऊ में चुनाव कर रही हैं, मर कौन रहा है? आम आदमी।